देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में लगातार सातवें दिन कोरोना के 2000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कोविड की बढ़ती स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उनके मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी देश में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर एक प्रेजेंटेशन देंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर रिव्यू मीटिंग करेंगे। देश में चौथी लहर की आहत है, ऐसे में कोविड समीक्षा बैठक कई मायनों में अहम है। सबसे ज़्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां रोज 1000 से ज़्यादा केस मिल रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और कोरोना की स्थिति की जानकारी लेंगे। खबर है कि इस बैठक के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसी खबर है कि इस कोविड समीक्षा बैठक में पीएम मोदी देश की जनता को एक और बूस्टर डोज को मुफ्त करने के लिए राज्यों से आग्रह भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हों। पीएम मोदी ने पहले भी देश में कोविड की ज़मीनी हालात को समझने के लिए मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं। आज होने वाली पीएम और सभी सीएम की बैठक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।